चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से ही मिल रही है सीआई जीसी की बोर्ड की बैठक शुरू हो गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल की यह बैठक है। बोध घाट परियोजना, नदियों को जोड़ने की परियोजना और नए इंडस्ट्रियल एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर इसमें फैसला लिया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर इस बैठक को किया जा रहा है, जिसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर, जॉय सिंह अग्रवाल, सीएस और कई विभाग के प्रमुख सचिव बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण इस वक्त बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर इस बैठक को किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रदेश को और ज्यादा डेवलप किया जाए, उसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजधानी रायपुर से वरिष्ठ संवाददाता रूपेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। रूपेश जी, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम चीजों को लेके सीआईडीसी बोर्ड की बैठक मंत्री रविंद्र चौबे के यहाँ हो रही है, किस इस पूरी बैठक को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सरकार खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करती है उसको लेकर के बनी हुई ये बॉडी है, जिसके प्रस्ताव पारित होते हैं और बोर्ड में जो प्रस्ताव पारित होते हैं वो कैबिनेट की बैठक में जाता है। अभी बैठक खत्म हो गई है लेकिन मीडिया के सामने मंत्री नहीं आए हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नदियों को जोड़ने के मसले पर चर्चा हुई है। इसमें हलदेव, अरपा और दूसरी महानदी और शिवनाथ नदी है, तो इन नदियों को जोड़ना, चूंकि केंद्र का ये कार्यक्रम है तो इन नदियों को किस तरह से जोड़ा जाए। इसके अलावा नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई है कि इन पर भी काम करना चाहिए। और जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, बोधघाट परियोजना, जो कि बस्तर की महत्वाकांक्षी परियोजना है इस सरकार की, उस परियोजना पर भी चर्चा हुई है। लेकिन जब वो आएंगे बातचीत करेंगे तो पूरी डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का खासतौर से इस सरकार का ध्यान खेती बाड़ी की ओर रहा है, तो उन पर सरकार पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका पर्याप्त ध्यान नहीं है। और इसी के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के कई काम का रास्ता इस बैठक के बाद खोलेगा। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि रूपेश जी, रूरल डेवलपमेंट को लेकर हमने देखा है कि प्रदेश सरकार का फोकस बहुत ज्यादा रहा है, उसके मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया। और जिस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसका भी नतीजा यह है कि रिजल्ट भी बहुत पक्ष में आ रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार गंभीर होती नजर आ रही है, कितना बड़ा बदलाव प्रदेश के लिए? देखिए, फिलहाल ये जो एग्रीकल्चर के काम है, जो योजनाएं हैं, वो लगातार जारी रहेंगी, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। लेकिन सरकार अब उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे उसको आगे देखना है जी। आगे अब इंफ्रास्ट्रक्चर का खासतौर से जो नदियों को जोड़ने की परियोजना है, उस परियोजना में किस तरह से छत्तीसगढ़ में हिस्सेदारी हो सकती है, छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी हो सकती है, इस मसले पर चर्चा की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की छत्तीसगढ़ अब, चूंकि जो क्राइसिस आया था लॉकडाउन का, उस दौरान ये कहा गया कि अब बड़े शहरों से इंडस्ट्रियां निकल के डिसेंट्रलाइज होगी, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इंडस्ट्री हमारे पास भी आएंगी चाइना से निकल करके, और इसी तरीके से बड़े महानगरों से छोटे शहरों में आएंगी। तो उसी के मद्देनजर सरकार की तैयारी है कि अगर वो इंडस्ट्री आती है तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे मुहैया कराएं, क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दें, किस तरह से व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट रखें और किस तरह से मैकेनिज्म बनाए कि वो आसानी से आ सके। इसके लिए जो सबसे बड़ा कदम होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे उद्योगों को रियायती जमीन दी जाती है और एक जगह पे उद्योग लगते हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान होता है, तो उस पर भी चर्चा हुई है। चूंकि एक कमिटी बनी हुई है, एक बोर्ड है जो हर रूटीन में चर्चा करती है, और इसी तरह के आधारभूत संरचना में जो विकास होते हैं उसको लेकर के प्रस्ताव पारित करती है। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इस बैठक के बाद वित्त सचिव अमिताभ जैन ने वित्त विभाग की बैठक ली और इसमें किस तरह से धन आएगा, किस तरह से खर्चा होगा, किसको अप्रोच करना है, किसका डीपीआर बनना है, इस मसले पर भी उन्होंने अलग से चर्चा की है अधिकारियों के। जाहिर सी बात है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका रूपेश जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह